हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था, जैसे कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या चाहते हैं कि हमारा आंसर जीरो आए, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग चाहते हैं कि हमारा आंसर 1 आए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जो भी नंबर हमें दे रखा होता है उसको रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो दे विल इंटरचेंज, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। ठीक है, अब एग्जांपल लो, फर्स्ट इज -13। -13 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -13/1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-13। हम जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 1। सो एक कंक्लूडिंग लाइन अगर लिखी जाए तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। ठीक है, जो इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज -13/19। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -19/13। अब माइनस चाहे ऊपर लगावाओ चाहे नीचे लगावाओ फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, बट अगर आपकी टीचर कहती है कि जिसके आगे माइनस है उसी के आगे लगाओ, सो माइनस यहाँ पे। ठीक है, नाउ थर्ड इज 1/5। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ओनली 5। कैसे, 1/5 × 5 करेंगे तो आंसर विल बी 1। और एक कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिखना, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखी है मैंने, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5। ओके, सिमिलरली फोर्थ पार्ट, अगर अब आप देखो कि आपको यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन में। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे, पहले इन दोनों रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे। ठीक है, -5/8 × -3/7। तो क्या हो गया, -5 × -3 + 15 ± ± ± हो गया, देन 8 × 7 = 56। अब हमें +15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, 56/15। ठीक है, और एक कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिखना, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज 56/15। ओके, नाउ अब जैसे कि फिफ्थ पार्ट देखो, -1 × -2/5। तो ये कैसे होगा, -1 × -2/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, अपॉन 5। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 5/2। एंड कंक्लूडिंग लाइन लिखना मत भूलना। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज -1। अब -1 को हम -1/1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो तब भी -1/1 ही आएगा, है ना।
जिसको हम अगेन माइनस वन लिख सकते हैं. तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस वन. सो माइनस वन इज द आंसर एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस वन. वैसे ऐसा क्यों होता है कि हम उसका रेसिप्रोकल करें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? देखो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, माइनस थर्टीन अपॉन वन एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन अपॉन माइनस वन से, तो माइनस थर्टीन और माइनस थर्टीन कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल नहीं हो सकता, राइट? ठीक है. अब अगर यहाँ पे वन की जगह पे कोई और भी नंबर होता, जैसे कि मान लो ये टू अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन टू, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि आंसर वन आए. क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी और नंबर से कुछ भी करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आंसर वन आ पाएगा. ठीक है, तो हमें अगर आंसर वन लाना है तो इसी का रेसिप्रोकल करके उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं और आंसर वन आ जाता है. ठीक है, वैसे आप इसको कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे करके दिखाया है, बट दिस स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके एग्जाम के शीट में. ठीक है, क्योंकि कॉन्क्लूडिंग लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई थिंक कि आपको अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आया होगा. ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, वैसे ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो. ठीक है, मैं या तो कॉमेंट पे बता दूंगी या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी. ओके स्टूडेंट, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की.